वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आपकी मुलाकात करवानी है हरमीत सिंह से, जो कि पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री में पहले हमारी पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले न्यूज़ एंकर बने और अब कभी एक चैनल कभी दूसरा चैनल, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है। भाई का सीन ऑन हो गया है, भाई कैनेडा शनेडा के लिए अदाकारियाँ भी करता है, शो होस्टिंग भी, और मतलब मॉडलिंग शॉडलिंग वाला तो सीन है ही है। हम वेलकम कहेंगे हरमीत को। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी आपका, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि जिनको मैं सुनता था, और जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मेरे जो उस्ताद थे डायरेक्टर न्यूज़ फवाद साहब, वो हमेशा कहा करते कि आप इनको सुना करें, और मैं तब से आपको फॉलो करता हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ आज मैं, मुझे आपने दावत दी है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चों को इस चक्कर के अंदर मैंने ख़राब किया है कि वो मुझे सुने, फिर उनको मैं ऐसी शरारतें सिखाऊँ कि अपनी अम्मी अबू के साथ और टीचर्स के साथ कैसे शरारतें करनी है और पकड़े नहीं जाना। इस तरह के सारे काम मैंने सिखाए हैं टीवी के ऊपर। अच्छा, तो आप भी मेरे मुतासरीन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बहुत सुना है आपको और आपको फॉलो भी किए, और आपके जितने भी शोज होते थे, क्योंकि जाहिर बात है मुझे तारिक अजीज साहब को सुनना था, मैंने न्यूज़कास्टर बनना था, तो इस वजह से, क्योंकि जाहिर बात है मेरा जो ताल्लुक है जिस एरिया से है वहाँ उर्दू हमारी जो होती है वो बड़ी गुलाबी होती है, बड़े मजे की होती है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको शांगला से है? जी मैं शांगला से हूँ, और ये सवात से आगे का इलाका बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा बड़ी ग्रीनरी होती है वहाँ पे, और 150 साल से मेरी फैमिली वहाँ पे है। उससे पहले हम हरिपुर से ताल्लुक था हमारा, दादे परदादे हमारे हरिपुर के थे, हरी सिंह नलवा यानी हरिपुर, सो वहाँ से ही बैकग्राउंड है मेरा। और फिर आप शांगला? हाँ, यस। आपकी पिछली नस्ल वहाँ? हाँ, वहाँ से, और हम जो जितनी भी जनरेशन है हमारी तो वहाँ से ही, वहाँ की पैदावार है। अच्छा, तो आपकी जो ये इतनी खूबसूरत आवाज़ थी कि हमारी जनरेशन और हम वहाँ के, तो ये इस आवाज़ ने कहा था कि भाई तुम टीवी पे जाओ, और तारिक अजीज साहब से जो आपकी मोहब्बत और इश्क है उसकी भी वजह यही है कि आपकी आवाज भी है ना? मेरी वालदा मेरी आवाज की वजह से मुझे घर से निकाल लेती। अरे क्यों? उसकी वजह ये होती थी कि सुबह सुबह उठते ना उसको लगती थी कि आवाज के पूरा का पूरा लाउड स्पीकर है और वो कहती फटा हुआ लाउड स्पीकर। तो मुझे याद है कि पहली बार जब मैं न्यूज़ कास्टर बना और बहुत सारे दुनिया में बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ मैं, और हमारे बड़े नामवर एंकर हैं उन्होंने, जावेद चौधरी साहब, उन्होंने आर्टिकल लिखा था मेरे पे। अच्छा। कि इनकी बड़ी मुनफरद आवाज़ है और मुनफरद तरीके पढ़ने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। तो मैंने अपनी वालदा को कॉल की, मैंने कहा मैं वही फटा हुआ नोट्स। सो फिर वालदा जो है जाहिर बात है खुशी से वो रो भी रही थी कि हाँ उसके जवाब, तो जाहिर बात है ये वो ट्रेनिंग वो सारा कुछ, लेकिन आपको जो आवाज़ आपकी अगर है तो फिर आपकी कोशिश होती कि हाँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं न्यूज़ कास्टिंग की तरफ ना जाऊँ। उसकी वजह ये थी कि मुझे रिपोर्टिंग से बड़ा शौक था, मुझे फील्ड में काम करना अच्छा लगता है। मैं अब भी फील्ड में काम करता हूँ। सो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उसने कहा नहीं आपकी आवाज़ अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि कुछ डिफरेंट हो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो एंकर हो न्यूज़ कास्टर हो। सो मुझे किसी ने, मैं एक जगह में गया एक इवेंट में, तो वहाँ पर आप जैसे बड़े महान लोग बैठे थे, तो हर एक ने अपने अपनी चीज़ें गिनवाई कि मैं ये करता हूँ करता हूँ। मैं सोचा मैंने क्या किया है, फिर मैंने कहा जी मैं 24 करोड़ की जो आबादी है मुसलमानों की उसमें अस्सलाम वालेकुम के साथ सत श्री अकाल करता रहता हूँ, ये मैंने ऐड किया है, तो मुझे ये क्रेडिट जाता है। सो ये बड़ा अच्छा किया, और पूरी दुनिया में मुझे याद है कि भारत के बड़े बड़े चैनल्स पे इसको हाईलाइट किया गया। फिर मिडल ईस्ट में मैं बात करूँ या मैं अमेरिका की बात करूँ तो बड़े टॉप हेडलाइन पे मैं रहा, और कनाडा के जो वाइस पीएम थे उन्होंने ट्वीट किया, और पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने एक अच्छा शेड्यूल लिया। हाँ नहीं बिल्कुल भी बात है कि वही एक ब्रांडिंग की बात होती है ना जी हरमीत, के पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली, तो वहाँ पे आप जैसे जो पाकिस्तानी हैं, जो कि बिल्कुल इक्वल पाकिस्तानी है, जैसे जितना पाकिस्तान पे हक मेरा है उतना ही हरमीत सिंह का भी है, और उतना ही किसी हमारे हिंदू बहन भाई का या हमारे मसीही बहन भाई का है। तो ये जो इमेजेस है ना, ये ब्रांडिंग जो हमारे मुल्क की है, इसको भी तब्दील होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन आप जैसे पाकिस्तानी जी हैं जो है वो भी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम करते हैं। मुझे याद है पाजी, मैं कोलमपुर में था और गुरुद्वारे पे गया। ये स्टोरी मैं इसलिए सुनाता हूँ आपको कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त मैं क्लीन शेव था, मोना सिख, जिस तरह युवराज सिंह, सनी देओल, ये धर्मेंद्र, इस तरह मोना सिख था मैं। तो मेरा जो कमीज शलवार पहन के गया था, कड़ा मेरे हाथ में था, तो सरदार जी मुझे मिले, कहते हैं पंजाबी हो? मैं कह जी हाँ, पंजाबी मीन सिख। हाँ
पंजाबी कहते okay, okay. मैं कह जी मैं कहते पाकिस्तान तो मैं कहा जी कहते बड़ा खतरनाक मुल्क है बड़े अजीब हालात है कैसे रह रहे थे तुम लोग तो मुझे ये बात बड़ी दुखी लगी बड़ी तकलीफ हुई मुझे और मैं उसको तो मैंने समझाया लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर पूरी दुनिया को समझाऊं कुछ लोगों को समझाऊं कि ऐसा नहीं है बहुत खूबसूरत मुल्क है बड़े प्यारे लोग हैं हत्ता कि मेरे जो मामू हैं वो एक मौलवी साहब हैं जो मेरी वालदा क्योंकि मेरे नानके दिल्ली में रहते हैं तो मेरी वालदा को जिसने बहन का वो मेरे गाँव के मौलवी साहब हैं तो ये तस्वीर कहीं दुनिया में तो दिखानी है तो मुझे याद है कि मैं गुरुद्वारे गया मैंने अरदास की और मैंने कहा कि रब ने अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो वाली तस्वीर जो मैंने करीब से देखी है मेरे सब दोस्त मुसलमान हैं तो ये जो चीज़ एक नफरत का प्रचार हमारे खिलाफ किया गया पूरी दुनिया में एक अलग सी तस्वीर पेश की गई है तो मैं कम से कम उसके हवाले से काम करूँगा मैं खुशकिस्मत हूँ कि रब ने मुझे चांस दिया और मौका जब मिला तो पूरी दुनिया में एक अच्छी तस्वीर गई और मेरी एक फिल्म है शॉर्ट सी फिल्म थी 86 डेज इन पाकिस्तान अच्छा ये टर्की में TRT ने रिलीज़ की मुझे याद है पाजी मैं शूट कर रहे थे हम लोग इसमें मेरे ख्याल में भुल्ले शाह जी के दरबार पे ठीक है और हम जब वहाँ पे पहुँचे मेरे साथ कुछ भारतीय अदाकार भी थे जब हम वहाँ पे पहुँचे तो लोगों ने हमें हक किया और कहा सरदारों ये तुहाड़ी ज़मीन है ये तुहाड़ा मुल्क है तुहाड़ा पिंड है सो ये वाली चीज़ और कहाँ जहाँ जहाँ हम गए पाजी हमने देखा कि लोगों की जो मोहब्बत है पैसे कोई ना ले कोई लस्सी पिलाए कोई खाना खिलाए तो ये चीज़ कहीं नज़र आपको नहीं नज़र आती जो नज़र आती है आपको पाकिस्तान की गली कूचों में पाकिस्तानियों में आपको नज़र आएगी मैं तो बहुत सारे ममालिक गया हूँ लेकिन जो प्यार मोहब्बत जो भाईचारा जो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। अच्छा हरमीत आपको पता है कि आपको जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया था प्रोग्राम के आगाज़ में तो हमने ये सरप्राइज़ रखा था कि भाई आप ज़रा गेस करें कि आज हमारा मेहमान कौन है तो वो कंट्रोल रूम ने मुझे याद कराया कि भाई वो जो विनर है उनका नाम भी आपने बताना है हाफजाबाद से बिलाल अच्छा। ने जनाब सबसे पहले आपको गेस किया उन्होंने कहा जी हरमीत सिंह आ रहे हैं वैसे तो मरी से नायला फातिमा फतेह जंग से और एक कंट्रोल रूम एक तवील लिस्ट है अच्छा। बहुत से लोगों का जवाब दुरुस्त है सो लोग आपसे प्यार करते हैं अच्छा ये बताओ पढ़ाई वढ़ाई में आपने क्या किया कहाँ से पढ़े क्या पढ़ा मैंने असल जाहिर बात है शुरुआत के लिए क्योंकि मुझे जाना था कराची की तरफ मैंने मीडिया इंडस्ट्री में आना ही था तो मुझे लगा क्योंकि गांव देहात में बैठ के मुझे मुश्किल था मुश्किलात ज़्यादा थी तो मैं कराची गया बचपन आपका शांगला में ही गुजरा शांगला में गुजरा मेरा कॉलेज का ज़माना भी शांगला में ही गुजरा लेकिन फिर मैंने ग्रेजुएशन मास्टर के लिए मैंने कराची की तरफ जाना पड़ा और मैंने सोशियोलॉजी भी की है और मैंने जर्नलिज्म भी किया है और इसके साथ साथ मैंने फिर जाहिर बात है मुझे आना था क्योंकि उस टाइम मैं गया मॉडलिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए मैं सेलेक्ट भी हुआ एक शॉर्ट उस वक्त एक फिल्म भी मुझे ऑफर थी लेकिन उसमें विलन का रोल था और मैं सोच रहा था कि मुझे शक्ति कपूर नहीं बनना है मुझे हीरो बनना है सो वो फिल्म मैंने क्योंकि करनी तो थी मुझे लेकिन मेरे वालिद साहब बीमार हो गए तो उसके बाद फिर मुझे वापस आना पड़ा फिर कोई फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं थे तो मैं उसकी बेहतरी के लिए मैं कोलमपुर की तरफ गया अच्छा तुम न्यूज़कास्टर ज़्यादा अच्छे हो या एक्टर ज़्यादा अच्छे मैं बस आप ये समझे कि मैं मुझ में क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने एक्टिंग कैसी की है मुझे एक्टिंग करनी नहीं आती है लेकिन वो कैमरा ऑन हो जाता था अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि बस वो मुझे याद है कि पहले शूट में उसका वाक्य आपको सुना लेता हूँ एक्सेट पे बहुत बड़े बड़े एक्टर थे और वो बड़ा वायरल गया था वो वाला कमर्शियल और अच्छा बड़ा इमोशनल टच था उसमें अगर आपको टाइम मिले देखिएगा जरूर 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 तो उसमें जो एक्टर थे या एक्ट्रेस थी वो एक साइड में बैठे थे तो वो कह रहे थे ये तो जर्नलिस्ट है पता नहीं ख्वार करेगा हमें कितना टाइम लेगा और मैंने सोचा पहली बार है मेरी और मैंने फिर वही याद जोड़ दी रब के सामने कि मुझसे कुछ अच्छा करवा और जैसे कैमरा ऑन होता है मैंने पहला शॉट पहली टेक में दिया और वो खुद हैरान हो गए सो मुझे नहीं पता है लेकिन हाँ मैं समझता हूँ कि क्योंकि मेरी फील्ड यही है मैं एक रिपोर्टर हूँ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ मैं काफ़ी अर्सा मैंने रिपोर्टिंग की है एक एंकर के तौर पर मैं समझता हूँ कि हाँ मैं इसीलिए बना हालांकि मुझे भारत से भी कई ऑफर हुई पंजाबी फिल्मों के लिए अभी भी मुझे रिसेंटली एक और सीरीज आ रही है जिसमें मुझे ऑफर है सो अच्छा पंजाबी में भी फ्लुएंट हो नहीं और पश्तो कोशिश करता हूँ अच्छा गुरमुखी लिखनी आती है मुझे पंजाबी लिखनी लेकिन पंजाबी जब बोलते हो तो वो उतनी फ्लुएंट नहीं है जितनी तुम्हारी मादरी ज़बान जो कि पश्तो पश्तो मेरी बहुत है क्योंकि मैं खैबर टीवी पे भी बहुत सारे शोज कर चुका हूँ अच्छा एक तो ये भी है ना कि जो हमारे सिख बरादरी से किसी को भी हम देखते हैं तो एक आम तासुर ये होता है कि अच्छा जी हाँ जी पाजी पंजाबी तो बोल रहे हैं
तो वो अब तुम्हें इसका मतलब है उस इमेज को पूरा करने के लिए पंजाबी अपनी मजीद फ्लुएंट करनी पड़ेगी। मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन वैसे जितना सोशल मीडिया आप मेरे बारे में देखी या जितने भी इंटरनेशनली रिपोर्ट्स मेरे पे बनी है, चाहे वो CNN की बनी है, BBC की, सो उनका पहला टॉपिक ये था कि मीट विद अ पाकिस्तानी पठान सिख। क्योंकि मेरा जो है ताल्लुक इतने अरसे से वहाँ पे है, फिर मैं पला बड़ा, मेरे रीत रिवाज सब कुछ वहाँ के हैं। हाँ, यस। जाहिरी बात है मुझे फ़ख्र भी है कि मैं उस इलाके से हूँ, और एक खूबसूरत इलाका, खूबसूरत लोग, मेहमान नवाज लोग। क्योंकि पठानों के बारे में, पख्तूनों के बारे में एक अच्छी इमेज मैंने नहीं देखी है, लेकिन जो चीज़ मैंने देखी और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन ये हुए कि कैसे आप लोग रहे हो, आप माइनॉरिटीज से हो, आप सिख हो, मैंने कहा जो मोहब्बत, जो प्यार मैंने वहाँ देखा है, वहाँ तो ये चीज़ है नहीं। और पूरे पाकिस्तान में बाजी 747 का वो जो सानहा है उसको एक साइड लाइन पे करें तो हर जगह मोहब्बत है, हर जगह भाईचारा है। मैं आई थिंक बहुत सारे इलाकों में गया हूँ, सिंध गया हूँ, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे तो मैं हैरान हूँ कि जिस तरीके से मुझे वार्मली वेलकम किया जाता है। तो ये पाकिस्तानियत में, ये हर जगह में आपको ये वाला जो है ना, ये एलिमेंट आपको हर जगह पाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है हमारे मुल्क में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि अब ये दुनिया तक फैले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हो रही हैं। नहीं, और बिल्कुल आपका मेन स्ट्रीम मीडिया में आना इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की एक कड़ी भी है। आखिर मुझे बताओ कि आपकी फैमिली ने, आपने वालदा का अपने जिक्र किया, लेकिन अब माशाल्लाह आप एक स्टार बन गए हैं और आप जहाँ जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एक्टर, एज अ TV होस्ट। तो आपका, आपके गांव के लोग, पुराने बचपन के दोस्त, फैमिली, ख़ानदान वाले, वो इस सारी चीज़ को कैसे लेते हैं? मैं जब एंकर बना, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बनूं, कुछ करूं, और मेरी वालदा मुझे TV पे देखा करती थी जब मैं एंकर बना। लेकिन जिस दिन मुझे जाना था, और मुझे याद है कि मैं चैनल पर बैठा था, इसी तरह मॉर्निंग शो था, मुझसे पूछा कि क्या याद आता है, क्योंकि कई अरसे से मैंने अपनी वालदा के हाथ की रोटी नहीं खाई थी। तो मैंने कहा मुझे अपनी वालदा के हाथ की रोटी खानी है, और मेरी वालदा शायद TV पे देख रही थी, वो रो रही थी। एंड देन मैंने जब दोबारा मुझे जाना पड़ा, तो मुझे मेरी वालदा जो है वो, उनकी डेथ हो चुकी थी। सो ये मेरी ज़िंदगी का जो है वो बड़ा वो था कि मेरी वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, मेरी वालदा से मैं मिला नहीं। हाँ, आपने बात की तो दोस्तों के हवाले से, ज़ाहिर बात है एक्साइटमेंट होती है, वो खुश होते हैं और फ़ख्र करते हैं कि हमारे गांव से, छोटे से गांव से, देहात से निकला हुआ लड़का जिसने पूरी दुनिया में हमारे गांव का नाम रोशन किया। जब मैं जाता हूं तो मेरे तो बचपन के वही दोस्त हैं जिनके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी, बचपना गुजरा, लड़कपन और जवानी, नौजवानी, अब तो मैं जवानी के दहलीज पे हूँ, नौजवानी वाला सीन ख़त्म हो रहा है। सो एक अच्छा वक्त गुजरा, अभी भी उसी तरह रबते हैं। ईद मेरी गाँव में गुजरती है, रोज़े, रमज़ान का महीना मेरा वहाँ पर गुजरता है, अफ्तारियाँ मेरी अपने दोस्तों के साथ होती है, सहरी भी मेरे अपने दोस्तों के साथ होती है। तो एक खूबसूरत गाँव है मेरा, बड़े खूबसूरत लोग हैं। और यही वजह है कि हालांकि मुझे काफ़ी ऑफर्स हुई, भारत से हुई, कनाडा से हुई, कि आप वहाँ कर लें, वहाँ टेलीविजन, हाँ, यस यस, पर दिल नहीं करता। मेरा दिल है कि मैं अपने इस मुल्क के लिए काम करूँ, जब तक जिंदा हूँ इसी के लिए काम करूँ, इसकी बेहतर इमेज के लिए काम करूँ, और पूरी दुनिया को बता सकूँ कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, ये सबका है, सांझा मुल्क है हम सबका। और सब लोग, चाहे वो हिंदू हैं, जिस तरह आपने बताया कि सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जिस कम्युनिटी से उनके वाल्मीकि हैं, वो अपना रोल किसी न किसी तरीके से निभा रहे हैं। तो मेरा जो रोल है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो मैं निभा के, मैं अपना एक फ़र्ज़, जो मेरे पे एक एहसान है इस धरती माता का, तो मैं वो एहसान पूरा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई, जो मेरे पे एहसान आते इस सरजमीन के, मैं वो चुका तो नहीं सकता, कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया तुमसे मिलकर। जीते रहो, खुश रहो, और ये जो हीरो मुंडा है हमारा, मैं चाहता हूँ हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामा शामों में भी आए, और इतनी तुम्हारी खूबसूरत आवाज़ है, तो ये जो मैं चाहता हूँ कोई बड़ा, कोई इंटेंस किस्म का कोई रोमांटिक फिल्म हो जिसके तुम हीरो हो, ठीक है ना? सो ऑल द बेस्ट PTV की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको हरमीत सिंह की बातें कैसी लगी, हमारा आज का शो कैसा लगा, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइएगा। और कोई मशवरा, जैसे कि आज वो ट्रेन वाला मशवरा आया कि जी ट्रेन जो है उसको जहांगीरा तक लेके जाए, ये सारे मशवरे आप हमें देते रहें और हम
मुतालिका हुकाम तक, उर्दू मेरी जरा मेरी भी, मुतालिका हुकाम तक पहुँचाते रहेंगे। खुश रहें, मिलेंगे फिर। यह है राइजिंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।